अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ रहें खुश रहें। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे टिक्की बर्गर, आलू टिक्की बर्गर बनाएंगे। बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ पे मैंने एक अदद लेमन लिया है, प्याज चॉप की हुई बारीक चॉप की लिया है, सब्ज़ मिर्च, बंद गोभी को बारीक काट लिया है। इसी के साथ मैंने सब्ज़ धनिया लिया है यहाँ पर, और गाजर लिया है। इसको मैंने बॉयल करके फिर इसकी कटिंग की है। यहाँ पे आलू बॉईल करके उनको ठंडा होने के बाद मैंने ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को सबको मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें लेमन भी ऐड कर देंगे, लेमन जूस। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हाफ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इस कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देंगे, वो भी हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। इसके बाद हम लहसुन पाउडर है ये मैंने लिया, आप चाहें तो इसकी जगह चौपी हुई लहसुन भी ले सकते हैं। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसको टिक्की की शेप में बना लेंगे। टिक्कियां जो है वो रेडी हैं, इनको अब हम फ्राई करेंगे। हम इसमें काफ़ी स्पाइसेस जो है वो ऐड किए हैं, तो अब अंडा जो है हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अंडे को फेंट लेंगे और इसमें डिप करके उसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्की जो है वो फ्राई हो चुकी है, इनको हम निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम अब दो अंडे जो हैं इनको फेंट के तो फ्राई कर लेंगे। अंडे जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, बर्गर ब्रेड जो है, इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे तवे पर। आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। अब हम मायो सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पे हम मायोनीज लेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और इसमें हम 2 चम्मच जो है वो केचप ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारे बर्गर की जो फिलिंग्स है वो रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम इसको फिल करेंगे। मज़ेदार से बर्गर हमारे रेडी हैं। इसी तरह से हम सारे बर्गर जो इनको रेडी कर लेंगे। न्यू फ्रेंड्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और लाइक उनको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना।